अस्सलामुअलैकुम, आपका दोस्त यासिर खान आप मुझे मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल यासिर के साथ में देख रहे हैं। आज कल हम लोग माशाल्लाह मक्का मदीना के सफ़र पे हैं। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जो जो इस वीडियो को देख रहा है आपको आपके ख़ानदान के साथ फैमिली के साथ बार बार यहाँ लेके आए। आज हम लोग माशाल्लाह मक्का की ज़्यारतों पर जाएंगे और हमारे साथ सजाद भाई हैं जो हमें मक्का की ज़्यारतें कराएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सजाद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आप माशाल्लाह आज आपने हमें मक्का की ज़्यारतें करानी है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तो ये कौन कौन सी ज़्यारतें हम देखेंगे और किस टाइम फ्रेम में होगा इंशाल्लाह? जी 18 जगह पे लेके जाना है अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें गारे सौर है, ठीक है, बात है, जबले रहमत है, मस्जिद निबरा है, नहर जुबैद है, वादी मैसर है, मुजल्फा है, मस्जिद मशरक हराम है, और मीना है, मुकाम इस्माइल है, मस्जिद खैफ है, जन्नत यानी शैतान है, गारे हिरा है, जन्नत माला है, मस्जिद जिन है, मस्जिद फतह है, मस्जिद शजर है। ये ज़्यारतें इंशाल्लाह प्रॉपरली करवाऊंगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह ज़्यारत पे लेके जाएंगे माशाल्लाह। जैसे कि सज्जाद भाई ने बताया कि 18 ज़्यारतें में माशाल्लाह आज हम लोगों ने विज़िट करना है, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको पूरा देखें और इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी। तो चलें अपना सफ़र शुरू करते हैं। आपसे दुआओं की गुजारिश है, मैं आपके लिए दुआ करूँगा, आप मेरे लिए दुआ करें इंशाल्लाह ताला। चलें आ जाइए, आपको ज़्यारतें दिखाते हैं मक्का की इंशाल्लाह। तो हम लोग मक्का की ज़्यारतों की तरफ जा रहे हैं। माशाल्लाह सज्जाद भाई मक्का के सराउंडिंग्स में कुछ बता रहे हैं हमें। जी ये जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं ये इस इलाके का नाम है नकासा। यहाँ पहले वर्मा वाले रहते थे, अजनबी लोग रहते थे, उनको यहाँ से निकाल के पूरा तोड़ के अभी इस जगह हरम के लिए होटल बना रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह, प्लाजे बन रहे हैं यहाँ पे, शॉपिंग मॉल होंगे, होटल होंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं लेफ्ट पे जिस तरह सज्जाद भाई ने मेंशन किया कि ये सारा जो इलाका है यहाँ पे होटल्स और शॉपिंग सेंटर्स वगैरह आने हैं इंशाल्लाह फ्यूचर में। जी मक्का माशाल्लाह मौसम इस वक्त बहुत अच्छा है। मक्का में कल बारिश हुई है, जुम्मे का दिन था, आज हफ्ते का दिन है और 31 दिसंबर 2022 नया साल भी शुरू होने वाला है इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको नया साल जो है तो आपके लिए आसानी का मामला फरमाए, सबके लिए आसानी का मामला फरमाए और आपको मक्का मदीना की हाज़िरी बार बार कराए इंशाल्लाह। अच्छा आप सामने हमारे देख सकते हैं गारे सौर का पहाड़ आपको नज़र आ रहा होगा, सज्जाद भाई थोड़ा सा बताएँगे इसके बारे में। जी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करने लगे थे तो कफार पीछे लगे थे, तो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर सदीक यहाँ छुपे थे 3 दिन 3 रातें। ये वाक्य है इसका। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, तो गारे सौर को हम देखने जा रहे हैं। जी माशाल्लाह आप देख सकते हैं, माशाल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक यहाँ माशाल्लाह 3 दिन तक थे गार के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह हम गारे सौर की तरफ जा रहे हैं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक यहाँ पे 3 दिन तक गार में थे। 3 दिन 3 रातें, 3 दिन और 3 रातें गार में थे माशाल्लाह आप देख सकते हैं। हम गारे सौर की तरफ इस वक्त जा रहे हैं, माशाल्लाह काफी सारे लोग इस वक्त यहाँ आए हुए हैं। वो ऊपर जो लास्ट में बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है ना पहाड़ के ऊपर, जी जी वहाँ पे गार है। अच्छा ऊपर सामने आपको एक बड़ा पत्थर नजर आया होगा, वहाँ पे गार है, तो काफी सारे लोग इस गार के ऊपर जाते भी हैं और आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं आपको काफी सारे लोग ऊपर जाते हुए नजर आ रहे होंगे माशाल्लाह माशाल्लाह। और अब हम लोग जा रहे हैं माशाल्लाह मैदाने अरफात की तरफ, वहाँ पे जबले रहमत, वहाँ पे जबले रहमत है माशाल्लाह, मस्जिद निमरा है, मस्जिद निमरा है माशाल्लाह, वो दिखाएंगे इंशाल्लाह। आप मेरे राइट साइड पे देख सकते हैं ये उमुल कुरा जो है ये इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, यहाँ से काफ़ी माशाल्लाह स्कॉलर्स वगैरह माशाल्लाह यहाँ से पढ़ के निकलते हैं माशाल्लाह ताला। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, डिफरेंट इसमें कैंपसेस हैं लेकिन ज़्यादातर जो है ये इस्लामियात यानी कि काफ़ी दीनी आलिम माशाल्लाह यहाँ से निकलते हैं माशाल्लाह। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का कैंपस आप देख सकते हैं, सारी यूनिवर्सिटी का कैंपस माशाल्लाह।
बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है माशाल्लाह। देख सकते हैं अराफात का बोर्ड आपको नजर आ रहा है, उमुल कुरा यूनिवर्सिटी का भी था यही एग्जिट। मक्का का माशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा है इस वक्त, मक्के का मौसम इस वक्त ज़्यादा गर्मी नहीं है, बहुत अच्छा मौसम है माशाल्लाह। आप देख सकते हैं अराफात स्टार्ट्स हेयर, अराफात जो है वो यहाँ से, उसकी जो बाउंड्रीज हैं वो यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अराफात में अभी एंटर हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये आगे मेट्रो स्टेशन है अरफात से जमरात यानी मीना तक, शतानों तक ट्रेन चलती है हज के दिनों में। आप देख सकते हैं कि सामने जो है वो ट्रेन स्टेशन है, जिस तरह से जाज भाई ने बताया कि कहाँ से कहाँ तक ट्रेन चलती है, अरफात से शैतान नहीं है जमरात, अरफात से लेके जो शैतान जहाँ पे कंकर मारने जाते हैं वहाँ तक ये ट्रेन चलती है, और ये सिर्फ हज के दिनों में चलती है माशाल्लाह। जो जो इस वीडियो को देख रहा है, अल्लाह पाक आपको, आपकी पूरी फैमिली को हज के लिए बार बार लेके आए, उम्रे के लिए लेके आए, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आपको मक्का की ज्यारतें, मदीने की ज्यारतें बार बार कराए इंशाल्लाह। रॉयल पैलेस आप देख सकते हैं माशाल्लाह। ये आप आगे देख सकते हैं मेरे राइट साइड पे माशाल्लाह मस्जिद निमरा आपको नजर आ रही होगी, यहाँ पे माशाल्लाह हज का खुतबा होता है यहाँ पे। अल्लाह ताला से ही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको बार बार यहाँ लेके आए हज के लिए, आपको लेके आए इंशाल्लाह ताला। मस्जिद निमरा आपको मेरे राइट साइड पे नज़र आ रही है, यहाँ पे माशाल्लाह हज का खुतबा दिया जाता है। इसके छः मीनार हैं, तीन जो हैं अरफात के अंदर हैं, तीन अरफात से बाहर हैं। आधी मस्जिद जो है अरफात में, आधी मस्जिद अरफात से बाहर है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई गलती से भी दूसरी साइड में मस्जिद की दूसरी साइड में चला जाता है तो उसका हज नहीं होता। ये बहुत ही ज़रूरी बात बताई है सज्जाद भाई ने कि आप जब भी हज के लिए आ रहे हो तो आप मेक श्योर करें कि ये सारी इंफॉर्मेशन आप पहले से चेक करके आएँ, क्योंकि यहाँ पे तीन गुंबद जो हैं वो एक तरफ हैं और तीन गुंबद दूसरी तरफ हैं। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आप प्रॉपर जो मस्जिद का हिस्सा है वहाँ आपने हज का खुतबा सुनना है। ये माशाल्लाह मस्जिद निमरा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको बार बार लेके आए यहाँ पे माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। मस्जिद निमरा के बाहर आप कबूतर ही कबूतर देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरा बेटा इनको दाना डाल रहा है माशाल्लाह, यहाँ से 5 रियाल का आपको दाना मिल जाएगा पैकेट माशाल्लाह। आप देख सकते हैं कबूतर ही कबूतर है माशाल्लाह। अब हम लोग जबल रहमत की तरफ जा रहे हैं, और माशाल्लाह जबल रहमत पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलविदाई खुतबा दिया था। यहाँ पे अम्मा हवा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा अल्लाह ताला ने कबूल की थी माशाल्लाह ताला। जब वो जन्नत से निकाले गए थे, जिस फल से उनको, जिस दरख्त से उनको मना किया गया था, वहाँ से उन्होंने कुछ फल खाए थे, और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने जब उनको जन्नत से निकाला तो यहाँ पर उनकी जबल रहमत पर उनकी तौबा कबूल हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोग जबल रहमत की तरफ जा रहे हैं, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा भी माशाल्लाह यहीं दिया था। देख सकते हैं माशाल्लाह यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है माशाल्लाह, बसें ही बसें जबल रहमत की तरफ लोग आए हुए हैं माशाल्लाह। और क़यामत जब होगी तो उसका भी सारा हिसाब किताब यहीं पे होगा। तो अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों के लिए आसानी का मामला फरमाए। ये तो एक टेम्प्रेरी दुनिया में हम लोग रह रहे हैं, आखिरी घर तो हमारा आखिरत है। अल्लाह ताला उसके लिए हमें तैयारी करने की कोशिश हम करें, सबके तैयारी उसकी कोशिश को हम करना चाहिए हम सबको। यहाँ हम लोग ट्रैफिक में बहुत बुरा स्टक हो गए हैं, जबल रहमत के पास बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बसें ही बसें नज़र आ रही हैं आपको। हमें तकरीबन 10-15 मिनट हो चुके हैं हम इस ट्रैफिक में स्टक हैं। वो सामने आपको जबल रहमत नज़र आ रहा होगा, लेकिन हम ट्रैफिक में बहुत बुरा स्टक हुए हैं। आप देख सकते हैं जबल रहमत पर रश ही रश है माशाल्लाह, रश ही रश है माशाल्लाह माशाल्लाह। जबल रहमत आपको नज़र आ रहा है सामने, क़यामत में हिसाब भी इसी मैदान में होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा जो हिसाब हो वो आसानी का मामला फरमाना, अपनी रहमत का मामला फरमाना, उसमें हम सबको माफ़ फरमाना माशाल्लाह। जबल रहमत आपको नज़र आ रहा है मेरे सामने माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा रश है इस वक्त।
31 दिसंबर 2022। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आप सबसे दुआओं की गुजारिश है, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। जबल रहमत है, अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी का मामला फरमाए, अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी का मामला फरमाए और आपको बार बार यहाँ आने का मौका दे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी अभी हम लोग जबल रहमत से निकले हैं और अब हम लोग जा रहे हैं माशाल्लाह नहर ज़ुबैदा की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा सा बताएँगे सजाद भाई नहर ज़ुबैदा के बारे में। ये खलीफा हारून था इराक का, उसकी मलका का नाम था ज़ुबैदा। वो हज करने के लिए मक्का आई, देखा यहाँ पानी नहीं है तो उसने फिर नहर बनवाई थी इराक से, दरिया तजल्ला से यहाँ आती थी। अभी उसकी निशानी बाकी है, निशानी है, पानी नहीं है अभी ऐसा। अच्छा, पानी नहीं है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। जैसे कि हमने मेंशन किया कि अब हम जा रहे हैं नहर ज़ुबैदा की तरफ, तो नहर ज़ुबैदा जो है वो आने वाली है। काफ़ी सारी बसेस आप देख सकते हैं उस तरफ जा रही हैं। आप ये देख सकते हैं हम लोग नहर ज़ुबैदा की तरफ जा रहे हैं। ये दीवार आप देख सकते हैं नहर ज़ुबैदा की है। ये दीवार के उस तरफ है या इसके नीचे? अच्छा, ये सारा हिस्सा जो है नहर ज़ुबैदा का है, आप देख सकते हैं। ये एक निशानी है बस, और ये एक निशानी है नहर ज़ुबैदा की। तो ये दीवार पूरी बाउंड्री वॉल चल रही है, लेकिन इसमें पानी वगैरह नहीं है। आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ी बाउंड्री वॉल। अब हम लोग मुजल्फा की तरफ जा रहे हैं। यहाँ एक मस्जिद है मशरुल हराम, जिसका जिक्र कुरान शरीफ में भी है। ये मस्जिद पूरे साल बंद रहती है, सिर्फ एक दिन के लिए खोली जाती है पूरे साल में। अच्छा सजाद भाई, कुछ बताएंगे इस बारे में? ये अभी हम मुजल्फा के अंदर हैं, मुजल्फा का मैदान है। यहाँ पे हाजी एक रात के लिए क़याम करते हैं खुले आसमान के नीचे, और शैतान को मारने के लिए जो कंकरियाँ हैं पत्थर हैं वो यहाँ से लेते हैं। मुजल्फा में मस्जिद है मशरुल हराम, जिसका जिक्र कुरान में है। ये पूरा साल बंद रहती है और उस रात खुलती है जिस रात हाजी यहाँ ठहरते हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, पूरे साल ये मस्जिद बंद रहती है। मशरुल हराम इसका नाम है। ये मस्जिद आपको नज़र आ रही होगी राइट साइड पे, ये पूरे साल ये मस्जिद बंद रहती है। इसका जिक्र कुरान शरीफ में भी है, और पूरे साल में हाजी एक रात यहाँ आके रहते हैं, यहाँ पे पत्थर पिक करते हैं, चुनते हैं, और फिर जाके शैतान को जो 7 कंकरियाँ मारी जाती हैं वो मारते हैं। आप देख सकते हैं मशरुल हराम मॉस्क इन मुजल्फा, आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अब आप देख सकते हैं हम लोग मीना में दाखिल हो चुके हैं। आपको टेंट्स वगैरह नजर आ रहे होंगे माशाल्लाह, जहाँ हाजी रुकते हैं हज के दौरान। ये मीना की पूरी वादी आप देख सकते हैं, यहाँ पे टेंट ही टेंट आप देख सकते हैं। ये न्यू मीना है, ये पहले मुजल्फा में था, थी ये जगह, ठीक है। मीना को बड़ा करने के लिए ये मुजल्फा वाली जगह साथ मिला के इसको नया मीना, न्यू मीना बोलते हैं, ठीक है। मीना को ज़्यादा किया है अभी उन्होंने। अच्छा, जैसे सजाद भाई ने मेंशन किया कि मीना को एक्सटेंड किया है इन्होंने, तो ये नया एक्सटेंशन है सारा मीना का। आप देख सकते हैं यहाँ भी सारे कैंप्स वगैरह खेमे वगैरह लगे। ये पहले मुजल्फा का एरिया था, ये मुजल्फा का एरिया था जिस तरह सज्जाद भाई ने मेंशन किया, लेकिन अब ये पार्ट ऑफ मीना की एक्सटेंशन में है। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं हाजी सारे यहाँ पे रुकते हैं। अल्लाह ताला आपको हर साल यहाँ लेके आए, बार बार हमारी दुआएँ हैं यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह। अटैच है, ये खेमों के साथ एसी लगे हुए हैं। एक एक खेमे में 30-40 हाजी को रखते हैं। अच्छा, ये जो स्टेशन है माशाल्लाह, ये वही स्टेशन है? ये मीना का स्टेशन है, ये मीना का स्टेशन है, ठीक है। यहाँ से लोग कहाँ जाते हैं? शैतान के पास। अच्छा, यहाँ से मीना का स्टेशन है, यहाँ से लोग शैतान को कंकरियाँ मारने यहाँ से भी जाते हैं।
तो जो टेंट्स जहाँ लगे हुए हैं, सजाद भाई ने बताया कि तकरीबन 30-40 लोग एक खेमे में रहते हैं, टेंट में रहते हैं, वॉशरूम उनके साथ होते हैं टेंट के बाहर, हर खेमे का जो है उसके साथ एक सेपरेट वॉशरूम होता है। ये भाई बात यह मैसर है, यहाँ पे अबराहा का लश्कर तबाह हुआ था, बाबिलों ने किया था, कुरान में सूरह फील है ना, ठीक है, ये वो जगह है, ये मीना और मुज़दलिफा के दरमियान आती है, ये देखे ना साइन बोर्ड, ये मीना का है, ठीक है, यहाँ से मीना स्टार्ट हो रहा है, पीछे मुज़दलिफा है, ठीक है, अब देख सकते हैं मीना के दरमियान में ये वादी मैसर, ठीक है। तो जिस तरह सज्जाद भाई ने बताया इस वादी मैसर के बारे में, कुरान शरीफ में भी जिक्र है, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको बार बार यहाँ लेके आए। वो देखें ऊपर है, वो सुराख वाला नहीं है, सही है, वो आपको सामने एक छोटा सा गुंबद ऊपर नजर आ रहा है, ये बस आ गई, यहाँ पे ट्रैफिक रश बहुत ज्यादा, बसेस आ रही हैं तो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा प्रॉपर, आप देखिएगा वो आपको पहाड़ के बीच में एक छोटा सा गुंबद नजर आ रहा है पहाड़ के बीच में, ये वो जगह है जिधर हजरत इस्माइल अलैहि सलाम को कुर्बान करने लगे थे, हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम को जन्नत से दुम्बा आया था, हमारी कुर्बानी वाली जगह ये है। अच्छा माशाल्लाह, यहाँ से कुर्बानी शुरू हुई थी, यहाँ से कुर्बानी शुरू हुई थी माशाल्लाह, आप देख सकते हैं ये पहाड़, आप देख सकते हैं सारे खेमे आपको नजर आ रहे हैं माशाल्लाह, इसके दूसरी तरफ भी खेमे हैं माशाल्लाह, आज के जो खेमे हैं माशाल्लाह आप देख सकते हैं माशाल्लाह। अच्छा ये आपको मस्जिद कैफ नज़र आ रही है, और यहाँ पे सुना ऐसा है कि 72 सहाबा कराम ने नमाज़ पढ़ी है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, ये अल्लाह की ज़ात को बेहतर पता है कि उन्होंने यहाँ नमाज़ पढ़ी है या नहीं पढ़ी, लेकिन जो मैंने सुना है वो मैंने आपसे मेंशन जिक्र कर दिया है, आप अपनी रिसर्च कर लीजिएगा, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है कि 72 सहाबा कराम ने यहाँ पर नमाज़ पढ़ी या नहीं पढ़ी। आप देख सकते हैं माशाल्लाह मीना की पूरी हज की वादी, माशाल्लाह जहाँ हज के टेंट लगते हैं, हाजी आके ठहरते हैं, माशाल्लाह। अब हम लोग शैतान की तरफ जा रहे हैं जहाँ शैतान को कंकरियाँ मारी जाती हैं, पूरा शहर जो है ये आबाद होता है हज के लिए। यहाँ पे शैतान को कंकरियाँ मारी जाती हैं इस जगह पे। ये आप देख सकते हैं शैतान को जहाँ पे कंकरियाँ मारी जाती हैं, ये वाइट कलर की जो बिल्डिंग, इसके अंदर ब्लैक कलर का एरिया आपको नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे शैतान को कंकरियाँ मारी जाती हैं। अब हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह गारे हिरा की तरफ जा रहे हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं माशाल्लाह जो पहली वही नाजिल हुई थी कुरान शरीफ की, वो वहीं गारे हिरा में नाजिल हुई थी माशाल्लाह, तो वहाँ जा रहे हैं हम, इकरा बिस्मि रब्बी का जो नाजिल हुई थी सबसे पहले जो सूरत कुरान की गारे हिरा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ये ज़ियारतें बार बार करना नसीब फरमाए, आप मेरे लिए दुआ करिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा जो पहाड़ आपको मेरे सामने नज़र आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये गारे हिरा का पहाड़ है जहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली वही नाजिल हुई थी माशाल्लाह। अब ये देख सकते हैं माशाल्लाह गारे हिरा मेरे सामने है माशाल्लाह, ऊपर पहाड़ी पे आप देख सकते हैं लोग काफ़ी आपको नज़र आ रहे होंगे, पहाड़ी पे काफ़ी लोग हैं माशाल्लाह। अच्छा ये देख सकते हैं आप गारे हिरा जो है माशाल्लाह ऊपर आपको लोग नज़र आ रहे हैं, काफ़ी बड़ा पहाड़ है माशाल्लाह, और ऊपर आपको वो कट नज़र आ रहा है, उस कट में जो है वो गार है, वो जो कट आपको बीच में नज़र आ रहा है इन दो उसके, उस कट के बीच में गार है माशाल्लाह।
अब हम गारे हिरा से निकल के जन्नत अल माला की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे कब्र मुबारक है हमारी वालदा हज़रत खतीजा की, तो उसकी तरफ हम जा रहे हैं जन्नत अल माला। सामने आपको क्लॉक टावर भी नज़र आ रहा होगा, आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं जन्नत अल माला का जो कब्रिस्तान है वो ये है। यहाँ रुक के हम लोग फातिहा भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये जन्नत अल माला का कब्रिस्तान है, यह हमारी वालदा हज़रत खतीजा की कब्र मुबारक है माशाल्लाह। हम लोग जन्नत अल माला से निकले हैं और मस्जिद जिन की तरफ जा रहे हैं, जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनों को दीन की दावत दी थी। आप ये मस्जिद देख सकते हैं सामने, मस्जिद जिन माशाल्लाह ताला, माशाल्लाह ताला। आप लोग दरूद शरीफ भी पढ़ें, अल्लाह ताला आपका बार बार आना कबूल करें यहाँ पे इंशाल्लाह। मेरे लिए भी दुआ करें। मस्जिद जिन, जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनों को दीन की दावत दिया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मक्का की ज्यारतें कर ली हैं माशाल्लाह। तकरीबन टाइम फ्रेम जो लगा वो 2.5 आवर लगा। 2.5 आवर में आप सारी ज्यारतें कर लेते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मक्का की ज्यारतों का ब्लॉक है आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मुझे अपना फीडबैक दें, कमेंट्स बताएं। इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसे ही किसी और वीडियो ब्लॉग में आपसे मुलाकात रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ एंड ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर।